नमस्कार बच्चों, हम बने थे जीव जगत के लक्षण। पंच जीव जगत के लक्षण। एक सारणी बनाई हमने को, सारणी बनाएंगे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनीमेलिया। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनीमेलिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर लक्षण अब ये नई नई एडिंग एडिंग इसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया। नंबर एक है कोशिका का प्रकार। क्या है? कोशिका का प्रकार, कोशिका प्रकार। यूकेरियोटिक है, प्रोकेरियोटिक है, कौन सा है? मोनेरा होता है प्रोकेरियोटिक, प्रोकेरियोटिक। यह है यू कैरियोटिक। फंजाई भी क्या है? यू कैरियोटिक, यू कैरियोटिक। प्लांटी भी क्या होते हैं? यू कैरियोटिक। और जो एनीमेलिया है वो भी क्या है? यू के। कल मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताया था। तो मोनेरा है वो भी क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांटी भी यूकैरियोटिक और एनीमेलिया है वो भी क्या है? यू कैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में आदिम केंद्रक पाया जाता है, इसमें सुविक्षित केंद्रक, सुविक्षित केंद्रक, सुविक्षित केंद्रक और सुविक्षित, यानी केंद्रक के चारों तरफ क्या जाती है? आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, आवरण, और इसमें आवरण नहीं पाया जाता। फिर है कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति इसमें देखो सेलुलोज रहित सेलुलोज नहीं होती है, प्लस एमिनो अम्ल युक्त होती है, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड इसमें मोनेरा में। और इनमें क्या होता है? कुछ में उपस्थित, कुछ में उपस्थित। इसमें भी क्या होता है? उपस्थित, उपस्थित सेलुलोज। और इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका में यही सबसे बड़ा अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर आता है केंद्रक झिल्ली। तीसरा क्या है? केंद्रक झिल्ली। सारणी आपको बनानी है, ये तीसरा है केंद्रक झिल्ली। कि केंद्र के चारों तरफ झिल्ली किस किस में पाई जाती है? इसमें अनुपस्थित होती है। क्या होती है? मोनेरा जो वर्ग है इसमें केंद्र झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है।
और शरीर में क्या होती है, उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में भी केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, हंजाई में भी केंद्र के चारों तरफ कोशिका केंद्र झिल्ली पाई जाती है, प्लांटी में भी केंद्र झिल्ली पाई जाती है और एनीमिया में भी केंद्र झिल्ली पाई जाती है। उपस्थित पढ़ते हैं किसमें हटते हैं, ये हो गया केंद्र के झिल्ली। पहला था कोशिका का प्रकार, दूसरा था कोशिका की भित्ति, तीसरा केंद्र के झिल्ली, चौथा है काय संरचना। काय संरचना कोशिका किससे, इसमें क्या होता है कोशिकाएं कैसे होती है, कोशिकाएं सारे काम एक ही कोशिका यानी कोशिका के द्वारा होता है, कोशिकीय क्या है कोशिकीय। मोनेरा में क्या होता है कोशिकीय, प्रोटिस्टा में कोशिकीय, एक कोशिका द्वारा संपन्न होता है। इसमें हंजाई में बहुकोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय। ऑब्लिक क्या हो सकता है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक टिश्यू, तो उत्तक भी पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उत्तक, उत्तक हो गया। उत्तक और अंग क्या होता है, अंग उत्तक ऑब्लिक अंग के द्वारा प्लांटी में, और उसमें क्या होता है उत्तक अंग अंतंतर, एनीमिया में क्या होता है उत्तक उत्तकों का समूह अंग और अंगों का समूह हो गया अंग तंत्र, तंत्र फिर शरीर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई काय संरचना, क्या हो गई काय संरचना। अपनी कॉपी में इसको बनाना है आपको, नोटबुक में आप इसको बनाओगे, ये हो गई काय संरचना। उसके बाद में आता है पोषण की विधि, क्या आता है पोषण की विधि, पोषण की विधि। ये पोषण किस प्रकार का होता है, मोनेरा में श्वेतकोशी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये प्रोटिस्टा में श्वेतकोशी अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं, फंजाई वाले परपोषी दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। पादप प्लांटी श्वेतकोशी क्या होते हैं श्वेतकोशी, और एनीमिया होते हैं वो क्या होते हैं परपोषी होते हैं, क्या होते हैं परपोषी, क्या होते हैं परपोषी होते हैं। ये उसके बाद में आता है प्रजनन की विधि, कि कौन सी विधि के द्वारा प्रजनन होता है, लैंगिक है अलैंगिक है संयुग्मन है, प्रजनन की विधि या प्रजनन विधि कौन सी विधि है, काम में लेते हैं उपयोग में ली जाती है प्रजनन की विधि। तो मोनेरा में होता है संयुग्मन, प्रोटिस्टा में युग्मोत्सलन, संयुग्मन युग्मक संलयन तथा संयुग्मन। हंजाई में होता है निषेचन, नर तथा मादा आपस में मिलता है निषेचन, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर, इसमें क्या होता है निषेचन। ये हो गई प्रजनन की विधि, क्या हो गई प्रजनन की विधि। देखो दोबारा देख लो लक्षण पढ़ रहे हैं, पंच जीवजगत के लक्षण, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनीमिया। आर एफ वेंटेकर ने संपूर्ण जीवजगत को पांच वर्गों में बांट दिया था, मोनेरा था प्रोटिस्टा था फंजाई था प्लांटी था और एनीमिया। इसमें लक्षण क्या था, कल मैंने बताया था कि इनका आधार बना था कोशिका, कोशिका भित्ति केंद्र झिल्ली काय संरचना पोषण की विधि प्रजनन की विधि। तो कोशिका का प्रकार देखो, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, हंजाई में भी यूकैरियोटिक यानी केंद्र के चारों तरफ आवरण होता है, इसमें भी यूकैरियोटिक और इसमें भी यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति मोनेरा में कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है यानी एमिनो अम्ल युक्त, कोशिका भित्ति एमिनो अम्ल युक्त होती है, इसमें कुछ में उपस्थित होती है कुछ में अनुपस्थित होती है, हंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है।
प्लांट की भी कोशिका वृद्धि करती है, उपस्थित होती है। एनीमिया में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। केंद्र झिल्ली, केंद्र के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र के झिल्ली कहते हैं। तो मोनेरा में केंद्र झिल्ली अनुपस्थित, प्रोटिस्टा में उपस्थित, खंडाई में उपस्थित, प्लांटि में उपस्थित और एनीमिया में क्या होती है? उपस्थित। काय संरचना का मतलब है कि शरीर किनसे मिलकर बना होता है। जो जीव जगत है या जंतु है पादप, उनका शरीर किसके मिलकर बनाता है? तो मोनेरा का शरीर कोशिका से मिलकर बनाता है, एक कोशिका के जीव होते हैं। प्रोटिस्टा का भी कोशिका तक ही सीमित होता है। फंजाई में कोशिका और बहुकोशिक हो जाता है। उत्तक कहते हैं अविकसित उत्तक होते हैं। प्लांट में कोशिका, उत्तक और अंग पाए जाते हैं। एनीमिया में उत्तक, अंग और अंगतंत्र तथा शरीर का निर्माण हो जाता है। कोशिका तो कई है। प्रजनन विधि संयुग्मन विधि द्वारा होता है। मोनेरा में प्रोटिस्टा में युग्मन संलयन तथा संयुग्मन दोनों विधियां पाई जाती हैं। फंजाई में निषेचन, प्लांटी में भी निषेचन और एनीमिया में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक वर्ग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा जगत। किसको पढ़ते हैं? मोनेरा जगत। लिखो मोनेरा। मोनेरा जगत देखो, सभी बैक्टीरिया व्यक्रम जीवाणु, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में सम्मिलित हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में सम्मिलित हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। इनकी संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत में सम्मिलित हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। इसके बाद में जो ये लगभग सभी प्रकार के वातावरणीय स्थान पर उपलब्ध होते हैं, ये प्राय सभी स्थानों पर तथा प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। सभी स्थानों पर तथा प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, गर्म जगहों पर ये गर्म जल के धर्मों को मामूल मरुस्थल, ज्वालामुखी के मुख आदि स्थानों पर आसानी से जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करते हैं।
मेलानिन को के बैक्टीरिया को जीवाणु होते हो जीवाणु हो उनके आकार से आधार पर उनके आकार के आधार पर चार भाग होंगे। वर्गीकरण किया गया है जीवाणुओं को उनके आकार के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक गोलाकार, नंबर दो छड़ाकार, क्या छड़ाकार, नंबर तीन कोमाकार, नंबर तीन क्या है कोमाकार, गोलाकार का वो ऐसा होता है षड्जैसा, ऐसा छड़ाकार गोलाकार कोमाकार होता है ऐसा, ये कोमाकार और सर्किलाकार सर्किलाकार जो गया सर्किला था। ठीक है, इतने भागों में इनको बांटा गया है। क्या हो गया ये मोनेरा जगत, क्या हो गया मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत में प्रश्न से पहले क्या करते हैं कि सभी जीवाणु है क्या है वर्ग में या इस जगत में क्या है शामिल है सभी जीवाणु। उसके बाद में क्या था दूसरा पॉइंट था कि इनकी संख्या क्या होती है सर्वाधिक होती है, ये प्राय सभी प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे गर्म जल के झरने हैं, समुद्री प्रदेश है, बर्फीला स्थान है, मरुस्थल है, ज्वालामुखी का मुख है, आदि स्थानों पर जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। इनको आकार के आधार से चार भागों में बांटा गया है, सर्पिलाकार है, गोलाकार है, छड़ाकार है और कोमाकार है। ये होता है मोनेरा जगत, क्या है मोनेरा जगत। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अध्य बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया अध्य बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया। आधे बैक्टीरिया इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,